मम्मी चाचा के लिए खाना ले जाऊं? देती हूँ, काम धाम तो कुछ करता नहीं, बस रोटियां तोड़ता है। मम्मी तुम क्यों बार बार चाचा के बारे में? चाचा की चमची, एक टॉर्च और एक फ्यूज वायर देना। फ्यूज? आपको फ्यूज लगाना आता है या किसी को भेज दो? फ्यूज लगाने वाला है। बोलिए कबाऊ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी भाभी ने मेरा फ्यूज उड़ा दिया, आज आप लगा दीजिए। ये लीजिए फ्यूज और टॉर्च। टॉर्च हिसाब में लिख देना। क्या हुआ? क्या बता सकती हैं कि बैंगन को बैंगन क्यों कहते हैं? बिल्कुल बता सकती हूँ, इसलिए कि उसकी शक्ल बैंगन जैसी है। वाह, क्या सोच है आपकी, आप ही मेरी जिंदगी में रोशनी कर सकती हैं। आगे बोलिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी भाभी ने पहली बार मुझे सब्जियां खरीदने की असाइनमेंट दी है। और आपको कद्दू भी खरीदना नहीं आता? अरे कद्दू ही तो खरीदना है। आपकी लाइफ का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ, बस आप कभी कहीं किसी मोड़ पर मिलते रहिएगा। एक कद्दू देना भाई, कद्दू। भाभी भाभी, अरे भाभी देखो क्या ताजी ताजी सब्जियां लेकर आया हूँ, खुश हो जाओगी। तुम अपने देवर को बेकार समझती थी ना, आज बैंगन लौकी गोभी देखकर मान जाओगी कि हम भी आदि काम के हैं। चाहे पूजा के कमरे में रख दे, खाली रख देते हैं। एक दिन भाजी क्या ले आया, अपने आप को आदमी समझने लगा, काम धाम कुछ होता नहीं, कद्दू कर। क्या हुआ भाभी? मच्छी मर गई। सब अपवित्र कर दिया। बैंगन को भुरता बनते तो सुना था, मुर्गी बनते पहली बार देख रहा हूँ। हाय हाय हाय, किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे अमर? अभी अभी तो पूजा की थी, स्नान किया था। हाय हाय, सब अपवित्र कर दिया, ब्रश कर दिया मुझे, एक काम करने को कहा था, सत्यानाश कर दिया पूरे दिन का। अब कौन सफाई करेगा मेरी रसोई की? अरे खड़े खड़े मुंह क्या देखता है, उठा के फेंक इसको बाहर। हिंदू, लेकिन ये तो उसका थैला है। लौकी, बैंगन, मगर मैंने तो मुर्गी और मछली खरीदी थी, ये बैंगन और लौकी कहां से आ गए? लगता है बैग बदल गया, जरूर वही होगा। अरे रुको, कमिंग। भाभी से पिटते पिटते बचाओ और भागते भागते आओ। आप तो पिटते पिटते बच गए, मगर मैं तो शायद पिट ही जाती। ये लीजिए आपका बैग और मुझे दीजिए मेरा। क्या कहा जी? चाय? इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है जी? मैंने चाय? अब अगर आप इतना फोर्स करी नहीं है तो चलिए, लेकिन एक शर्त पर पीऊंगा, अगर आप मेरा साथ देंगी तो। आपका साथ? चाय पर। चाय? ऑफ कोर्स, चाय, चाय पर। जी लीजिए। थैंक यू सीमा। सीमा, आपने मेरा नाम कैसे जान लिया? आपकी इस नोटबुक से। वैसे आपका नाम बहुत खूबसूरत है। जाहिर है अब आप अपना नाम बताने का कष्ट करेंगे। मेरे नाम में कोई खास बात नहीं है, लेकिन आप कहती हैं तो बता देता हूँ, अमर। बुरा नहीं है। नाम तो है अमर, लेकिन रोज कई बार मरना पड़ता है। वैसे आप करते क्या हैं, बातें बनाने के अलावा? कुछ करने की कोशिश में हूँ, अभी तो वकालत का इम्तिहान दिया है, कल ही आखिरी पेपर था। आप अच्छे लगेंगे काले कोट में। My Lord, Your Honor. अभी तो सिर्फ इम्तिहान दिया है मेम साहब, नतीजा निकलने तक कई और इम्तिहान देने होंगे, नौकरी ढूंढनी होगी। आपकी किताब से लगता है कि जी हाँ, पढ़ रही हूँ। बोर्डिंग में थी, अब केटरिंग का कोर्स कर रही हूँ, पास में ही कॉलेज है। इसलिए वो मुर्गी मछली। जी जी। और अगर आप बैग ना लाते तो क्लास में बैंगन के साथ मेरा भरता बन गया होता। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊं। मेरी मौसी, मौसी अमर है, कल नाइट इन्होंने फ्यूज, आज आज बैग बदल गया था। सीमा जी, जी अगर हमारे बैग नहीं बदलते तो मैं मौसी से कैसे मिल पाता? नमस्ते मौसी जी। नमस्ते। अच्छा तो मैं चलता हूँ, वैसे चाय बुरी नहीं थी। बैठ सकते हैं? थैंक यू। Mm.
मर गया, थैला फिर बदल गया, और आज इसका टेस्ट भी है। आज हम सीखेंगे फिश कटलेट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो सब अपनी अपनी मछलियां निकालिए। हाँ तो लड़कियों, मैं कह रही थी, ये क्या है? बैंगनी मच्छी। अरे सीमा, फिर गड़बड़ हो गई। मेरे बैंगन तुम्हारे हाथ में और तुम्हारी मुर्गी मछली मेरे मेरे बैग में है। वेलकम होम सर। क्या हम लैंड कर गए? कब क्या सर? ओ अरे काजल, चाय लाओ ना प्लीज। चाचा चाय। क्या? अरे कोई चाय भाई नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। वो चंपा के साथ ऑफिस जाना है, कल मेरी पैंट कब कहीं निकल गया तो आई मस्ट गो। अरे उसकी गाड़ी को स्टार्ट होने में आधा घंटा लगता है। अरे चंपक भाई, चंपक भाई, ये आपका बॉस है? हाँ यही है, लेकिन आजकल मेरा बॉस पतंग बना हुआ है। वो जमीन पर उतरे तो तेरी नौकरी की बात करूंगा भाई। अरे मेरी नौकरी पक्की है? हाँ? तेरी नौकरी पक्की? लेकिन तेरी नौकरी पक्की होने से मेरी नौकरी तो नहीं जाएगी ना भाई। क्या पता, अरे स्टार्ट हो गई गाड़ी। अच्छा अच्छा है? इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे हमारा ऑफिस। वाह साहब, क्या बात है। कौन सी नगरी है ये? माया नगरी। माया नगरी। अच्छा एक बात बताओ, जो आदमी यहाँ आता होगा बाहर जाने का रास्ता तो भूल ही जाता होगा। वो यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहता। आइए जनाब, आइए आइए। गुड मॉर्निंग चंपा। गुड मॉर्निंग केवी। वो देखो, अरे अभी तो ऑफिस देखा है, लड़कियां देखोगे तो पागल हो जाओगे, एक से एक। इधर बॉस का ऑफिस है, और अगर उस तरह चलोगे तो अरे अंदर का जा रहे यार। अरे वाह क्या बात है यार। अमर ये हुआ ना मेरे यार। अमर मेरे पास तो नहीं है, मेरा केबिन नहीं है, क्या कर रहा तू? अरे भी मेरी नहीं है, अगर कहीं बॉस आ गया तो तेरी नौकरी तो दूर, मेरी नौकरी भी जाती रहेगी। प्लीज उठ जा यार, अब उठता कि नहीं। ये क्या हो रहा चंपक, ये क्या तमाशा लगा रखा है? कौन है आदमी? सर सर, ये मेरा फ्रेंड है, दोस्त। हेलो राजीव, हाय। कौन हो तुम, और ये मेरी कुर्सी पर कैसे बैठ गया? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? राजीव तूने मुझे पहचाना नहीं यार, मैं तेरा स्कूल फ्रेंड अमर, अमर सक्सेना, फोर्थ रो। कौन सक्सेना? मैं तुम्हें नहीं पहचानता, और ये यार बार नहीं चलता इस ऑफिस में, इसे तुम लाए हो चंपक। सर इसमें चंपक का कोई कसूर नहीं है, मैं यहां खुद आया हूं। पैसा पाने के बाद आदमी इतना बदल जाता है, इससे सुना था, आज देख भी लिया। सॉरी चंपक, खामा कर तुझे मुसीबत में डाला, सॉरी यार। सारी बातें याद हैं, लेकिन मेरी मजाक करने की आदत भूल गया साला। वाह क्या सीन है, ये और मॉडल, तुम और मॉडल। क्यों, मैं मॉडल नहीं बन सकता? एक मिनट अभी दिखाता हूँ, ये देख। हंसते क्या है? मॉडल सूरत देखी अपनी? ये सूरत की बात मत करना, इसी सूरत ने चमत्कार दिखाया, मेरी पर्सनालिटी ने उसे फ्लोर कर दिया था। फ्लोर वर्क कुछ नहीं किया था, वो आपका दोस्त है ना, दोस्ती कहाँ कदा कर रहा होगा।
हक अदा कर रहा हूँ। क्यों, तुम खुद भी तो फ्लोर हो गई थी मुझे देख के। उस वक्त की बात कुछ और थी। क्या मतलब? याद करो, सोचो कैसे थे तुम, कैसे मिले थे हम। कैसे? सोचो सोचो सोचो।